तो गाइस आईपीएल 2024 का ऑक्शन डेट जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे गाइस काफी ज्यादा रूमर्स और न्यूज बाहर आने शुरू हो गए। रिसेंटली सभी 10 टीमों ने गाइस अपना रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट जारी कर दिया था। मुंबई ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया गुजरात टाइटंस से, देन इसके बाद आरसीबी की टीम ने कैमरन ग्रीन को ट्रेड कर लिया मुंबई इंडियंस से। सो गाइस यहां पे ऐसा रूमर आया, जसप्रीत बुमराह अनफॉलोड मुंबई इंडियंस एंड स्टार्टेड फॉलोइंग एमएस धोनी ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइस किसी रैंडम बंदे ने यहां पे ट्वीट किया और बताया कि जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम। यहां पे एक और यूजर ने गाइस ट्वीट किया, जसप्रीत बुमराह नेवर फॉलोड मुंबई इंडियंस इन द फर्स्ट प्लेस। सो गाइस इनका यहां पे ये कहना है, जसप्रीत बुमराह ने कभी मुंबई इंडियंस की टीम को फॉलो किया ही नहीं था इंस्टाग्राम पे। सो गाइस ये तो सिर्फ बात हो रही थी कि फॉलो अनफॉलो का। इसके बाद गाइस सीएसके के आरसीबी के और केकेआर के फैंस मैदान में उतर चुके थे। चेन्नई के फैंस ने यहां पे एक ट्वीट डाला, होपफुली चेन्नई आईपीएल यूजर्स दिस सिविल व्हाट टू देयर बेनिफिट बाय साइनिंग इन जसप्रीत बुमराह। सो गाइस ये यूजर यहां पे उम्मीद लगाए बैठे कि जसप्रीत बुमराह को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम साइन कर देगी आईपीएल 2024 के लिए। इसके अलावा गाइस हमने फोटो भी शेयर कर दिया जसप्रीत बुमराह का, चेन्नई सुपर किंग्स जर्सी पहनते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस चेन्नई के बाद कलकत्ता वाले भी मैदान में उतर चुके। कोलकाता के फैंस ने यहां पे ट्वीट किया, वी आर डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू बॉलिंग सेंसेशन जसप्रीत बुमराह, वेलकम टू द नाइट राइडर्स फैमिली। और गाइस इन्होंने भी जसप्रीत बुमराह के फोटो शेयर किया जिसमें केकेआर जर्सी पहनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद गाइस आरसीबी के फैन ने भी ट्वीट डाला, जसप्रीत बुमराह कमिंग होम टू हिज फेवरेट टीम आरसीबी। सो गाइस अब इनको ये लगता है कि आरसीबी की टीम जसप्रीत बुमराह को परचेस करने वाली है। गाइस इन सब के रूमर्स के बाद एक मुंबई के फैन ने भी ट्वीट डाल दिया, जसप्रीत बुमराह इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही विल प्ले फॉर मुंबई इंडियंस टिल हिज रिटायरमेंट। तो इन्होंने यहां पे ये बता दिया कि जसप्रीत बुमराह कहीं नहीं जा रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले जब तक वो रिटायर्ड नहीं ले लेते हैं। सो गाइस आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना कि जसप्रीत बुमराह को मुंबई की टीम निकालने वाली या फिर सारे लोग सिर्फ फेक रूमर्स फैला रहे हैं। आपके जो भी राय गट्स कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करने वाले हार्दिक पांड्या के बारे में। सो गाइस यहां पे अपडेट सामने आ रहा, रविंद्र जडेजा वाज बैंड इन आईपीएल 2010 बिकॉज ही एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद मुंबई इंडियंस डिस्पाइट बीइंग इन कांटेक्ट विद राजस्थान रॉयल्स। सो रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2010 में रविंद्र जडेजा को बैन किया गया था एक साल, क्योंकि गाइस वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में रह करके मुंबई इंडियंस की टीम के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे गाइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस खबर के मिलने के बाद जडेजा को बैन कर दिया गया था एक साल के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात टाइटंस डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सेड हार्दिक पांड्या एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर रिटर्न टू हिज ओरिजिनल फ्रेंचाइजी, वी रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। गुजरात टीम डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने ऐसे बताया कि हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम में जाना चाहते थे, उनकी पहले बातचीत हुई होगी इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है और हम हार्दिक पांड्या के फैसले का सम्मान करते हैं। बट गाइस यहां पे सवाल ये उठता है, जडेजा ने जब ऐसा किया था तो उनको बैन कर दिया गया था, और जब हार्दिक पांड्या ने यहां पे ऐसा किया तो उनको बैन नहीं किया गया। सब गंदा है पर धंधा है ये। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। सो गाइस यहां पे बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लाइकली नॉट बी होल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर इंडियाज रिजर्वेशन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, यूएई लाइकली टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी इन हाइब्रिड मॉडल। सो गाइस रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान शायद मैच खेलने नहीं जाएगी। यहां पे सब डेटा के इंडिया के जो भी मैचेस होगा उनको यूएई शिफ्ट करना पड़ेगा, बाकी दूसरे टीमों के मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। यानी कि गाइस 2023 का एशिया कप जिस तरह से हुआ था उसी तरह से हाइब्रिड मॉडल में खेला जाने की संभावना यहां पे बताई जा रही है। अभी तक गाइस बीसीसीआई ने कोई भी इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट नहीं लिया है और न ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बारे में कुछ बताया है अभी। तो यहां पे ऐसा न्यूज निकल के सामने तो आया है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि यूएई जाने वाली है। सो अब देखना है कि आगे इसके बारे में क्या फैसला लिया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइस ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जानने के लिए।